प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के दौरे को लेकर जयपुर वासियों में उत्साह का माहौल है। दौरे को लेकर चारदीवारी क्षेत्र के दुकानदारों ने विशेष तैयारियां की। इसके लेकर हमारे संवाददाता ने दुकानदारों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर जयपुरवासी भी काफी उत्साहित है। इस वक्त मैं हवा महल के पास हूँ, जहां पर आप देख रहे हैं ठीक मेरे पीछे जो दुकानदार है वो भी काफी उत्साहित है। आइए उनसे बात करते हैं। हम काफी उत्साहित हैं कि मोदी जी हमारी दुकान पे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे। ये हमने हैंडीक्राफ्ट वगैरह का आइटम है, ये लकड़ी वुडन पे है, ये हाथ की कारीगरी है, ये सारी जैसे गणेश जी है, जैसे अशोक स्तंभ है, ये हमने मोदी जी के लिए स्पेशल राम मंदिर बनवाया। ये देखिए राम मंदिर है, ये मोदी जी के लिए स्पेशल बनवाया हमने राम मंदिर। देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति जी हमारी दुकान पर पधार रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और हम देख रहे हैं कि उन्होंने हमको यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट आइटम हमारे हमने डिस्प्ले किया है, हो सकता है वो हमारी खरीदारी भी करें। यहाँ पर एक स्पेशल चाय की स्टॉल लगाई गई है, आप देख रहे हैं चाय की एक स्पेशल स्टॉल लगाई गई है। और ऐसा माना जा रहा है कि कल प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति यहीं पर बैठकर चाय पियेंगे। यहाँ पर विशेष चाय का इंतजाम किया गया है। आइए इन्हीं से बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं की है चाय को लेके। चाय बन रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। सौभाग्य की बात है कि हम उनको चाय पिलाने लायक उन्होंने हमें समझा, तो हम कल उनको चाय पिलाएंगे। उन्हीं के लिए आज पूरा डेमो लगा हुआ है यहाँ पे। मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना अंदर से कितना अच्छा लग रहा है। और मैं कल जब मैं उनको चाय पिलाऊंगा तो यानी कि जो फीलिंग है ना, मैं मेरे पास में बताने के लिए बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि कुल मिलाकर जयपुरवासी तैयार हैं, यहाँ के जो दुकानदार है वो तैयार है और यहाँ की चाय भी तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ विकास सोनी, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।